वेलकम टू स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो रिलेटेड है रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट जो आई एक अच्छी वैकेंसी आई यूपीएससी के अंतर्गत, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत। जो डिपार्टमेंट इसमें वो डिफेंस का डिपार्टमेंट है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का डिपार्टमेंट है। इसमें इस फॉर्म को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से, एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिए। क्योंकि इसमें कई सारी पोस्ट हैं, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, या किसी में 10+2 में आपके साइंस होना चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए। इस तरह से कई सारी कैटेगरियाँ हैं, कई सारे पोस्ट हैं इसमें। तो आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर देख लीजिए क्या रिक्वायरमेंट है इसमें। मैं आपको नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करते ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें लिंक वो भी दे दूंगा जहां पर क्लिक करते ही आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जैसे आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। टोटल वैकेंसी इसमें है वो 414 वैकेंसी है, यानी 414 वैकेंसी है। एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। जो वेबसाइट आपको फॉलो करनी है, जिस वेबसाइट पर आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं, वो वेबसाइट है upsconline.nic.in। इसी वेबसाइट पे आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं, इसके अलावा कोई अदर वेबसाइट फॉलो नहीं करनी है। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा वो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के साथ साथ हो सकता है फिजिकल होगा क्योंकि डिफेंस रिलेटेड है। तो नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए क्या रिक्वायरमेंट है इसमें। ये वीडियो एक अलर्ट, एक इन्फॉर्मेशन है, एक नोटिफिकेशन है कि एक वैकेंसी आई है यूपीएससी के अंतर्गत, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अंतर्गत, यानी कि CDS। अप्लीकेशन जो फ़ी है इसमें, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी के हैं, तो आपकी जो फ़ी होगी 200 रुपीज़ होगी। यदि आप SC ST या PH कैटेगरी या फीमेल हैं, तो आपकी कोई फ़ी नहीं होगी, बिल्कुल फ्री है। इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी जो बर्थ होनी चाहिए, आप 1 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2000 के बीच बिटवीन होना चाहिए। और इसमें जो गवर्नमेंट वाली छूट मिलती है वो आपको डेफिनेटली इसमें मिलेगी। अप्लीकेशन और आपका पेमेंट का जो मोड होगा दोनों ऑनलाइन होगा। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या आप ई चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को जो है शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में ताकि वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकें। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि सेम टाइम नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।